करनाल के रेलवे स्टेशन पर पीएससी कमेटी के सदस्यों द्वारा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया। करीब डेढ़ घंटे तक चले निरीक्षण के दौरान स्टेशन पर काफी खामियां पाई गई। पीएससी की टीम में आए सदस्यों ने स्टेशन मास्टर पर कड़ी फटकार लगाई। इस अवसर पर स्टेशन मास्टर नरेंद्र सिंह से जवाब देते नहीं बना। पीएससी के सदस्यों ने चेतावनी दी कि यात्रियों को प्रॉपर तरीके से सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। कमेटी के सदस्यों ने स्टेशन पर वाटर एटीएम बंद होने के कारण लाइसेंस रद्द करने के आदेश दिए। साथ ही दिव्यांगों के लिए बनाए शौचालय पर ताला लगा मिला। इस पर पीएससी के सदस्यों ने ठेकेदारों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। पीएससी के सदस्यों ने इस अवसर पर कहा कि सितंबर में स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे। एक्सीलेटर व लिफ्ट का प्रपोजल भी डाला जा चुका है, जल्द ही इसकी सुविधा रेलवे स्टेशन पर मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की इच्छा है कि रेलवे यात्रियों को सभी सुविधाएं मिले, इसके लिए रेलवे बोर्ड ने 3 सदस्यीय टीम गठित की है। यह टीम पूरे हरियाणा के रेलवे स्टेशनों व देश के अन्य रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि रेल के यात्रियों को मैक्सिमम सुविधाएं मिले, मूलभूत सुविधाएं ट्रेन में भी प्लेटफॉर्म पर भी उनको पूरी तरह से सुविधा मिलती रहे। इस दृष्टि से रेलवे बोर्ड की ये टीम, हमारी पीएससी टीम, पैसेंजर एमिनिटीज कमेटी, ये हमारी 3 मेंबर्स कमेटी थी। हमारे साथ दयालदास जी, वो आज नहीं है, श्रीमान हिमाद्री बल जी मूलतः बंगाल से हैं, पीएससी के मेंबर हैं, बहुत सीनियर मोस्ट हमारे नेता हैं। मनोरमा जी यहाँ लोकल हैं आपकी एनआरसी में ना, हमारे धीरेन्द्र प्रोडक्ट भी एनआरसी मेंबर ही हैं। तो हम 28 जुलाई से हमारी टीम चंडीगढ़ पहुंच गई थी। 29 को हमने चंडीगढ़, चंडी मंदिर, जगाधरी और फिर अम्बाला रात को सभी स्टेशन इंस्पेक्ट किए और उसके बाद अम्बाला के DRM, ADRM, सीनियर DCM, इलेक्ट्रीशियन, सिविल इंजीनियर जो कंसर्न होते हैं रेलवे मंत्रालय से, उन सब अधिकारियों के साथ बात की। जो जो हमें वहाँ शिकायतें मिली उनका वहाँ निपटारा किया और हमारे साथ पूरी रेलवे महकमे की टीम, ADRM, DCM, सीनियर DCM, इलेक्ट्रीशियन, सिविल इंजीनियर जो भी कंसर्न होते हैं, तो वो सभी रेल मंत्रालय के उच्च अधिकारी हमारे साथ रहते हैं। विशेषकर CCTV कैमराज, लेकिन क्योंकि यहाँ अभी अलाउड हुए हैं तो वो 15 दिन में लग जाएंगे, जैसा कि बताया अभी हमें। इसी प्रकार से विकलांग के लिए रैंप हो, व्हील चेयर हो, स्वच्छता की दृष्टि से शौचालय साफ सुथरे हों, टॉयलेट्स में पानी हो, पीने का पानी टूटियों में अवेलेबल हो, अच्छा पानी हो, बैठने की कुर्सियाँ बाकी बेंचेस उनकी व्यवस्था हो, पंखा हो। तो यहाँ पर जो हमने चेक किया, ऑल दी मोस्ट अप टू मार्क है, केवल छोटी मोटी चीज़ें हैं वो हमारे एसएस से हमने बोलना है। और जैसे CCTV कैमराज या डिटेक्टर है, उसके लिए RPF के जो इंचार्ज हैं उन्होंने भी पहले ऊपर बोला है, हम भी उनसे ऊपर हाईकमांड में बात करेंगे। तो यह मोटे तौर पर चीज़ें लगभग ठीक हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें मानव स्वभाव आदमी का, कभी कभी वो लापरवाही कर देते हैं, तो हम समझते हैं कि ये सब चीज़ और इम्प्रूव हो। तो कल हम इसी प्रकार से, अभी आपके बाद हमने सुबह जैसे पहला कुरुक्षेत्र था, दूसरा करनाल, फिर हम पानीपत जाएंगे, सोनीपत जाएंगे, फिर जींद जाएंगे, नाइट स्टे हमारा रोहतक है, उसके बाद फिर आगे हम निकलेंगे गुरुग्राम, रोहतक को करेंगे, गुरुग्राम है, फिर पलवल है, फरीदाबाद है, उसके बाद सिरसा, हिसार, भिवानी, कोसली, फिर रेवाड़ी, नारनौल और लास्ट में जयपुर जो GM है उनके साथ हमारी बातचीत होगी। हम एक अपनी जो हमारे साथ जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं वो भी नोट करते हैं, और अच्छी बात है कि हमारे ऑफिसर साथ चलते हैं, वो भी देखते हैं, चाहे वह पानी की मशीन ठीक नहीं है या कहीं पर खाने का सामान ठीक नहीं है या कहीं कोई इस पर कमी मिलती, तो खुद नोट करते हैं और वो उसको टाइमली इम्प्रूव करवाएं। अभी तक कोई विशेष ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में हम एक्सैक्ट एक डिटेक्टर की, क्योंकि वो थोड़ा ख़राब है, और CCTV कैमराज के लिए अभी परमिशन मिलेगी, एक्सीलेटर भी लगेगा यहाँ पर, लिफ्ट भी होगी। और ये स्टेशन हमारे वैसे भी सौभाग्य से CMCT है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विशेष ध्यान रहता है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक ये इच्छा है, हमारे रेल मंत्री की भी इच्छा है, और हमारी ये PSA की टीम भी इन सब चीज़ों को लेकर और ये विजिट कर रही है ताकि अप टू मार्क हों, सुविधाएँ पूरी मिलें, यात्रियों को ये ना लगे कि हम रेल में सफ़र कर रहे हैं तो हमें ये दिक्कत है, उनको ये भावना ना महसूस हो कि हवाई जहाज़ में ये है, हमारे साथ ये नहीं है। यानी एट दी नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली रेल में भी सुविधाएँ, हर प्रकार की सुविधाएं मिलें। हमने ट्रेन्स भी चेक की है, यात्रियों से भी हम बात करते हैं, तो
जहाँ जहाँ हमें वैसे बहुत ज़्यादा कमी नहीं मिली है, लेकिन जहाँ जहाँ कमी मिली है इम्प्रूव कर रहे हैं, हम संतुष्ट हैं। अभी तक की हम दो दिन की हमारी विजिट चल रही है, अधिकांश स्टेशनों पर लगभग अप टू मार्क चीज़ें हैं। जहाँ छोटी मोटी कमी है उसके लिए हम लिख रहे हैं ताकि जल्दी वो उनका इम्प्रूव मिले, ताकि उनको और इम्प्रूव करें, ठीक की जा सके। ठीक है जी, आपने कोई बात पूछी? ट्रेनों में ठहराव को लेकर कोई इस तरह की व्यवस्था पैसेंजर के लिए? अभी तक तो हमारे पास तो कैसी बात नहीं आई, अगर कोई आएगी तो निश्चित तौर पर हाई लेवल पर बात करेंगे। क्रिएटिव गाड़ी शुरू हो रही है, ये भी लोगों की मांग है। ठीक है, ये अभी मनोरमा जी दिए आप ये, क्योंकि ये जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि इसकी फिजिबिलिटी हाई अथॉरिटीज हमारे देखेंगे, प्रैक्टिकल क्या है, तकनीकी तौर पे ट्रैक अवेलेबल है नहीं, टाइमिंग का कहीं क्लेश तो नहीं हो रहा का, मतलब वो सब चीज़ें, क्योंकि हम गैर सरकारी सदस्य हैं, तकनीकी जो चीज़ें होती हैं वो हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। हमारे साथ ऑफिसर चल रही दे दिए, तो निश्चित तौर पर इस पर जो भी हमारे से हो पाएगा वो निश्चित तौर पर करेंगे, ताकि ठहराव हो और लोगों को सुविधा मिले, वो भी हम करें। यादव जी, आज करनाल रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदली हुई है, सफाई को भी ले सब चीज़ों में, आपके जाने के बाद तस्वीर रोजमर्रा जैसी हो जाएगी। अगर विजिट की बात करें तो इस तरह के विजिट के बारे में आपका अगला प्लान क्या रहेगा? तो आज की तो खुशी मनाई हम, ठीक है, आगे ऐसी रहेगी ना पक्का। सर, अगर ग्लव्स की बात करें, खाने पीने के जो सामान है, ग्लव्स आज देखे गए, पहले कभी ग्लव्स नहीं देखे गए, तो इस पर सर क्या कहेंगे? बोलना उनको, हमने देखा कि ठीक है कि कुछ के पास नहीं है, थोड़ा आप ही नरेंद्र जी। जी सर, सफाई के मामले में बहुत ज़रूरी है, और विशेषकर खाने की चीज़ या कहीं पानी का ही है, वो थोड़ा देख लीजिए, तो आपको मार्क हो जाए, वहाँ ग्लव्स डाल दें, कहीं पानी पीने वालों में सीधे हाथ सीधे ना जाए, ठीक है ना। थोड़ा सैड की भी यहाँ जी कमी महसूस होती है गर्मी के दिनों में, ये कुछ थोड़ा सैड नहीं बनने का है कुछ, ऐसा है कुछ गर्मियों में बहुत देर नहीं। ठीक है, अगर ऐसा है तो कोई प्रपोजल बनाएंगे। प्रपोजल गया हुआ सर इसका, हो जाएंगे जी। सैड डीएम है, प्रपोजल गया हुआ है इसका, जी गया गया गया, बता दीजिए एक बात। प्रपोजल गया यादव जी, यहाँ पानी की जो देखिए, एक तो एक्सेलेटर और लिफ्ट का प्रपोजल जा चुका है, किस डेट पर शुरू हो जाएंगे ये? जैसे मैंने आना है उस दिन, वो जैसे सेंक्शन होगा, ये दूसरा डिपार्टमेंट है सर हमारे से। आपने तो अभी जो मेरे से क्या कहा था, नहीं हम एफओबी चालू कर देंगे 31 अगस्त का टारगेट लिए, ठीक है, एस्केलेटर और वो जो है जैसे सेंक्शन होगा हो जाएगा, ठीक है। दूसरी इन वाली बात जो है वो क्या बता रहे थे आप? कंटिन्यूअस पीएफ शेल्टर के लिए भी प्रपोजल गया हुआ है, ठीक है, जैसे सेंक्शन होगा। हमारे ऑफिशियल्स हैं ये भी, आप लोग भी थोड़ा देख लें, उसकी कोई कॉपी वगैरह हमें भी दे देना, ताकि उसको हम फॉलोअप कर लेंगे, ताकि अर्लीस्ट पॉसिबल वो चीज़ें बन जाएं। सर, पानी जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, और दाम 20 रुपये ले जाते हैं, ऐसा है अक्सर, नहीं होता मीन्स बीबी कंपनी या कोई और रेल नहीं होता। क्यों जी, मंगाना जरा किसी को भेजो तुरंत, लाइक 2 मिनट में जो सेल कर रहे हैं। यादव जी, जो भेदभाव की अगर बात करें दिव्यांगों की, आपने खुद देखा अभी उनके जो वाशरूम के ऊपर ताला लगा हुआ था, खोलते नहीं है वो लोग, जा ही वो आपने खुद देखा है अभी, तो अब रेलवे को क्या कहेंगे? हमने उनको बोल दिया है, वास्तव में दुखद है, दिव्यांग का ताला नहीं लगना चाहिए, किसी भी शोषण नहीं लगना चाहिए, बोल रहे हैं। अब जो भी इस बारे में हम भी अपनी जो कार्रवाई डिपार्टमेंट वो भी करेंगे, और फ्यूचर में ऐसा ही है, जब दिव्यांग वाला जो ताला लगा ना, ये वास्तव में अच्छा नहीं है। दिव्यांग की आपने रैंक बढ़ाया, अच्छी बात है, आपका हम धन्यवाद करते हैं, आप लोगों ने व्हील चेयर रखी है अवेलेबल, अच्छी बात है, लेकिन जो लोक लगा हुआ था वो और जो भी कंट्रैक्ट है उसको नोटिस सर वो खुला रहता है, और वहाँ पे एक बंदा कम से कम रहता भी है साफ सफाई के लिए। आज तो ना करते, मेरे देवता हमारी एसीआर खराब कर दिया आज तो एक खुद आए थे, आज ताला लगा हुआ था, तो कॉन्ट्रैक्टर का वो जो सुपरवाइजर और कॉन्ट्रैक्टर उसको एक बार नोटिस। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।